हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है GDS टू पोस्टमैन एग्ज़ाम या MTS टू पोस्टमैन एग्ज़ाम, जो कि राजस्थान सर्किल में हुआ है आज ही के दिन। आज सबसे पहले उसके सॉल्यूशन को जानते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय डाकघरों में डाक बार का भुगतान किस माध्यम से किया जाता है। बेसिकली पूछा गया है कि पेमेंट ऑफ पोस्टेज किस तरह से किया जाता है। तो पेमेंट ऑफ पोस्टेज है वो डाक टिकट के माध्यम से, यानी कि पोस्टेज स्टैम्प्स के माध्यम से किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दो है, TMO का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म ऑफ TMO क्या है, ट्रांजिट मेल ऑफिस। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीन के बारे में जानते हैं। तीन में है कि ए ऑर्डर्स निम्न में से किस पदाधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं। तो जो ए ऑर्डर्स होते हैं वो RMS के सुपरिटेंडेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चार में है कि एक स्टेशन बंडल में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं होती हैं। बेसिकली पूछा गया है कि स्टेशन बंडल में कौन कौन सी आर्टिकल्स होते हैं। तो स्टेशन बंडल में स्टेशन के जो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स होते हैं वो शामिल होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच, डाकघर में बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि कितनी है। बेसिकली पूछा गया है कि पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट होता है, POSA अकाउंट होता है, उसे मिनिमम कितने रुपए से खोल सकते हैं। तो अप टू डेट यानी कि आज की डेट में उसे खोल सकते हैं 500 रुपये से। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छः, SO डेली अकाउंट निम्नलिखित में से कौन से फॉर्म में भरा जाता है। तो जो ACJ1 फॉर्म है वो HO समरी के लिए यूज़ होता है, HO की समरी के लिए यूज़ होता है। और ACG22 है वो BO डेली अकाउंट के लिए यूज़ होता है। ACG67 है वो अर्नस्ट मनी डिपॉजिट, यानी कि अर्नस्ट मनी डिपॉजिट के लिए यूज़ होता है। और अकॉर्डिंग टू मी इसका जो सही आंसर होना चाहिए था वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सात, सात में पूछा गया है कि प्रत्येक डाक कार्यालय और धावी अनुभाग की व्यवस्था रजिस्टर किस के द्वारा बनाकर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर सात में अकॉर्डिंग टू मी जो इसका आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आठ, आठ में पूछा गया है कि जो प्रिजर्वेशन पीरियड है अनसर्विसेबल बैग रजिस्टर का वो कितना टाइम होता है उसके लिए। तो बेसिकली इसका जो प्रिजर्वेशन का जो पीरियड है वो होता है 10 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आठवें का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में वैसे कौन सा कथन सही है। नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। तो जो नाइट पोस्ट ऑफिस होती हैं वो रात 8:30 बजे तक काम करती हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, डाक से भेजने पर निम्नलिखित में से किस के बीमे की आवश्यकता नहीं होती है। बेसिकली जो सिक्के होते हैं, सोने चांदी के जो बुलियन के जो आर्टिकल्स होते हैं, या बैंक के जो नोट्स होते हैं, इन सभी को इंश्योर्ड करके ही भेजा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस प्रकार के डाकघर पहचान पत्र जारी कर सकते हैं। तो जो आइडेंटिटी कार्ड है वो सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस के द्वारा ही इशू किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए 11 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी डाक वस्तु पर पुनर्निर्देशन शुल्क लिया जाता है। बेसिकली पूछा गया है कि किस पोस्टल आर्टिकल पर रिडायरेक्शन का जो शुल्क है वो लिया जाता है। ओनली जो पार्सल्स हैं उन पर रिडायरेक्शन फी ली जाती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अन्य परिमंडलों के साथ थैलों के विनविन का रजिस्टर किसके द्वारा बनाकर रखा जाता है। यानी कि बेसिकली कि जो अदर जो सर्कल्स हैं उनके साथ में अगर एक्सचेंज करना है थैलों का, बैग्स का, तो जो रजिस्टर है वो किसके द्वारा बनाकर रखा जाता है ये पूछा गया है। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, परिमंडल थैला कार्यालय के द्वारा, यानी कि सर्किल बैग ऑफिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पत्र का अधिकतम भार कितना हो सकता है। मैक्सिमम वेट फॉर अ लेटर इज 2 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वस्तु भंडार से प्राप्त वस्तुओं के बीजकों को कितनी समय अवधि तक संरक्षण का प्रावधान है। बेसिकली जो आर्टिकल्स इन्वेस्ट किए जाते हैं पोस्टल के जो डिपोर्ट स्टोर्स हैं वहाँ से, उसका पूछा गया है कि प्रिजर्वेशन पीरियड कितना है। तो उसके लिए जो प्रिजर्वेशन का जो पीरियड है, यानी कि जो संरक्षण की जो अवधि है उन फॉर्म्स को, वो है 3 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 में है कि आरएमएस के प्रत्येक सेट को निम्नलिखित में से कौन सी स्टैम्प्स और सील्स दी जाती हैं। बेसिकली पूछा गया है कि एवरी सेट को, यानी कि प्रत्येक सेट को, आरएमएस के जो सेट होते हैं उनमें से किसको स्टैम्प्स और सील्स हैं जो सभी को कॉमन प्रोवाइड की जाती हैं। तो जो डेट स्टैम्प्स है, डेट सील है और नेम स्टैम्प है, ये सभी को प्रोवाइड की जाती हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि काम पर यात्रा करने वाले किसी अनुभाग के एक सेट द्वारा अपनी गश्त के एक सिरे से दूसरे तक जाने वाली यात्रा को क्या कहते हैं। बेसिकली पूछा गया है कि अगर कोई बीट है किसी की, तो ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट तक किसी को जाना है तो इसको जाने को क्या कहते हैं, यानी ये जो यात्रा है उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ट्रिप। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, डाक विभाग द्वारा PLI कब आरंभ की गई। PLI की जो शुरुआत है वो 1 फरवरी 1884 से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि वह रेलवे स्टेशन जहाँ दो पारगमन अनुभागों की गश्त मिलती हो, जहाँ एक गश्त द्वारा लाई गई डाक दूसरे अनुभाग को सौंपी जाती है, क्या कहलाता है। बेसिकली पूछा गया है कि वो रेलवे स्टेशन कौन सा है या वो स्टेशन का नाम क्या है जहाँ पर जो दो अनुभाग हैं उनकी जो गश्त है, यानी कि जो उनकी जो बीट है वो मिलती है, और एक बीट का जो गश्त द्वारा जो लाई गई डाक है, एक बीट के द्वारा जो लाई गई डाक है वो दूसरे अनुभाग को सौंपी जाती है, तो ऐसे स्टेशन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं चेंजिंग स्टेशन या बदले स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, किसी डाक वस्तु के खिड़की वितरण का शुल्क क्या है। बेसिकली पूछा गया है कि अगर कोई आर्टिकल को विंडो डिलीवर करते हैं तो उसके लिए चार्जेस क्या है, तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, पिछले फेरों या कार्य के पिछले दौर से शेष खाली थैले किसे भेजे जाने होते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन का जो सही आंसर अकॉर्डिंग टू मी वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को भेजे जाने चाहिए खाली बैग्स हैं जो। क्वेश्चन नंबर 22, कस्टम ड्यूटी प्राप्त करने की वह न्यूनतम राशि कितनी है जिसके लिए डाक वस्तुओं के सामान्य रूप से डाक घर की विंडो से डिलीवरी की जाती है। अकॉर्डिंग टू मी इस प्रश्न का भी सही आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, प्रधान डाकघर में उसके अंतर्गत आने वाले डाकघरों की शेष राशि पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा ध्यान देना आवश्यक है। अकॉर्डिंग टू मी इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, पोस्टमास्टर की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो प्रधान डाकघर के अंतर्गत आने वाले जितने भी सबॉर्डिनेट पोस्ट ऑफिसेज हैं उनका जो अकाउंट का जो काम है उस पर ध्यान देने वाली जो बात है वो पोस्टमास्टर के अंतर्गत होनी चाहिए ऑप्शन नंबर ए, अकॉर्डिंग टू मी इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, गैर पंजीकृत डाक पत्रों के निपटान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उन पर मोहर लगाने, छांटने, डाकियों के वितरण के लिए देने या रवानगी के लिए लेबल बंडल तैयार करने से पहले क्या गतिविधि की जाती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा उसे वो होगा ए, यानी कि इस प्रोसेस को कहते हैं सम्मुखन या फेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में है कि किसी डाक वस्तु पर डाक टिकट कहाँ चिपकाई जाती है। डाक टिकट चिपकाने के लिए जो सही जगह है वो है कि अगर कोई डाक वस्तु है उसका जो राइट हैंड साइड का जो टॉप मोस्ट जगह है, यानी कि जो पते वाली और ऊपर के दाएं सिरे पर पोस्ट ऑफिस की जो डाक टिकट होती है, डाक वस्तु पर डाक टिकट वहाँ चिपकाई जाती है, और जो सेंटर का एड्रेस है वो लेफ्ट हैंड के कॉर्नर में नीचे की तरफ लिखा जाता है। तो बेसिकली इस प्रश्न का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, पते वाली और दाएं ऊपर के दाएं सिरे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पंजीकृत डाक वस्तु पर प्रेषक का पता कहाँ लिखा जाना चाहिए, और प्रेषक का पता लिखना चाहिए और लिखना चाहिए नीचे की ओर बाएं कोने पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, लोक भविष्य निधि खाता यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF का जो अकाउंट है उसकी अवधि पूर्ण होने के बाद एक साथ कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो उसको बढ़ाया जा सकता है मैक्सिमम 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, IPO की मुद्रा अवधि कितने वर्ष है। करेंसी पीरियड ऑफ IPO इज 6 मंथ्स, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 29 में पूछा गया कि मासिक आय जमा खाते को कितने वर्षों बाद असामयिक बंद करने की अनुमति है। बेसिकली जो प्री मैच्योर क्लोजर है MIS अकाउंट का वो 1 वर्ष बाद ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 29 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि डाकघर बचत योजनाओं के अंतर्गत नामांकन को रद्द करने या बदलने के लिए कितनी फीस निर्धारित की गई है।
बेसिकली कैंसलेशन ऑफ नॉमिनेशन या चेंज ऑफ नॉमिनेशन की फ़ीस पूछी गई है, तो वो है 50 रुपये, और इसमें GST को शामिल नहीं किया गया, 18% GST है उसको अलग रखा गया है, यानी कि 50 रुपये प्लस 18% GST। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं बिना अतिरिक्त शुल्क के हवाई जहाज़ द्वारा प्रेषित की जा सकती हैं। तो जो फर्स्ट क्लास की जो मेल्स हैं, फर्स्ट क्लास के जो मेल्स हैं उनको बिना किसी हवाई चार्ज के उनको हवाई चार्ज हवाई माध्यम से उनको प्रेषित किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में है कि फ्लैटली अकाउंट होल्डर्स को फ्लैटली की आइटम्स कैसे भेजी जाती हैं। अगर किसी का फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट है, PDA अकाउंट है, तो ऐसे अकाउंट होल्डर्स को जो फ्लैटली के आइटम्स हैं जो समय समय पर भेजे जाते हैं, वो पंजीकृत पत्र द्वारा भेजे जाते हैं, यानी कि बाई रजिस्टर्ड पोस्ट भेजे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 33 पार्सल की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है। पार्सल की अधिकतम लंबाई हो सकती है 1 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि एक ही कार्यालय या अनुभाग से भेजे गए कई बैगों को भेजने के उपयोग में लाए जाने वाले एक बैग जिससे उन्हें संरक्षण दिया जाता है को क्या कहते हैं। बेसिकली पूछा गया है कि एक ऑफिस है और उस या कोई एक सेक्शन है, उसमें कई बैग्स हैं छोटे छोटे, इनको एक बड़े बैग में बंद किया जाता है, तो जिससे इसकी जो सिक्योरिटी है या संरक्षण है उसके लिए उपयोग में एक बैग को लाया जाता है, उस बैग को क्या कहते हैं। उस बैग को कहते हैं ट्रांजिट बैग। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 एक अभिभावक द्वारा विभिन्न लड़कियों के नाम पर कितने सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोले जा सकते हैं। बेसिकली पूछा गया है कि एक कोई गार्जियन है या पेरेंट है, उनके द्वारा अपने बच्चों के कितने SSC अकाउंट खोले जा सकते हैं। तो एक फादर के दो बेटियां, मैक्सिमम दो लड़कियों के ही, गर्ल चाइल्ड के ही SSC अकाउंट को खोला जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया कि लेखा थैले का प्रयोग निम्नलिखित में से किन कार्यालयों के बीच किया जाता है। तो जो लेखा थैला है, अकाउंट बैग है, उसका जो एक्शंस है या उपयोग है वो किया जाता है HO और SO के बीच, यानी कि हेड ऑफिस और सब ऑफिस के बीच। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 36 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 37 में है कि आमतौर पर एयरमेल बैग को बंद करने के लिए किस बैग का उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली एयरमेल बैग को बंद करने के लिए ब्लू कलर का दो सूती बैग यूज़ किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 उप डाकपाल का मासिक विवरण कौन से फॉर्म में तैयार किया जाता है। उप डाकपाल का जो मासिक विवरण का फॉर्म है वह फॉर्म PS17, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 भारत में कितने पोस्टल सर्किल हैं। 23 पोस्टल सर्किल हैं और एक बेस सर्किल है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 किसी व्यक्ति द्वारा डाकघर में डाकघर सावधि जमा के कितने खाते खोले जा सकते हैं। बेसिकली पूछा गया है कि किसी भी पर्सन के द्वारा, किसी भी एक इंडिविजुअल के द्वारा कितने TD खाते खोले जा सकते हैं, सावधि जमा के जो खाते हैं। टाइम डिपॉजिट के अमाउंट या अकाउंट खोलने की जो सुविधा है वो एक से ज़्यादा की है, यानी कि वो कितने भी संख्या में, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी संख्या में वो खाते खोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से डाक सेवा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। डाक सेवा बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं सेक्रेटरी डाक विभाग, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई जैसे शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़े हैं। तो वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई जैसे शब्द फ्रैंकिंग मशीन से जुड़े हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में एक पत्र का मुड़ी हुई स्थिति में अपने फ्लैप के साथ अधिकतम आयाम कितना होना चाहिए। मैक्सिमम डायमेंशंस पूछा गया है विद फ्लैप, इट्स फ्लैप्स व्हेन फोल्डेड कंडीशंस में फ्लैप्स के साथ में कोई पत्र है उसकी मैक्सिमम डायमेंशंस क्या हो सकते हैं। तो उसके जो मैक्सिमम डायमेंशंस हैं वो 30 cm × 21 cm, यानी लंबाई और चौड़ाई का जो आयाम है, लंबाई और चौड़ाई का उसकी जो सीमा है वो 30 × 21 cm से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी 43 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 बीमाकृत वस्तुओं के कितने मूल्य से अधिक होने पर विंडो डिलीवरी की जाएगी। अगर कोई इंश्योर्ड आर्टिकल 500 रुपये से ज़्यादा का हो जाता है तो उसे विंडो डिलीवरी की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 डाकघर आवर्ती जमा खाते को कितने समय बाद
असामयिक बंद करने की अनुमति होती है। बेसिकली पूछा गया है कि कोई रेकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट है, आरडी का जो अकाउंट है, उसको प्री मैच्योर क्लोजर कराना है तो उसके लिए कितने टाइम तक उसे रखना होता है, यानी कि अकाउंट खोलने के बाद में, अकाउंट खोलने के 3 साल यानी कि 36 मंथ्स बाद उसको प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, 45 का सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। बीओ समरी निम्नलिखित में से कहाँ बनाई जाती है? बीओ समरी बनाई जाती है ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, यानी शाखा डाकघर, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47। किसी भी डाक वस्तु निम्नलिखित में से कौन पुनर्निर्देश कर सकता है, यानी कि किसी भी पोस्टल आर्टिकल को, डाक वस्तु को रिडायरेक्शन का जो अधिकार है वो है गंतव्य के कार्यालय द्वारा, यानी कि ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर अधिकतम निम्नलिखित में से किस अंतराल पर बड़ी संख्या में प्रकाशित होना चाहिए। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है वो कितने रेगुलर इंटरवल के बाद में बड़ी संख्या में उसको प्रकाशित होना होता है, तो उसके लिए जो समय सीमा है वो 31 डेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि किसी सर्कल के प्रमुख के मुख्यालय में स्थित प्रथम श्रेणी हेड ऑफिस या जहाँ एक से अधिक ऐसे हेड ऑफिस है जिनमें मुख्यालय से संलग्न किया गया क्या कहलाता है। बेसिकली पूछा गया है कि एक सर्किल हेड ऑफिस है और एक सर्किल का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर एक से ज़्यादा फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस है, तो ऐसी हेड ऑफिस को जो कि जिस इस हेड ऑफिस से जो अटैच है, संलग्न है, उसको क्या कहते हैं, तो ऐसी पोस्ट ऑफिस को कहा जाता है जनरल पोस्ट ऑफिस। ये इसी की डेफिनेशन है जीपीओ की, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। एक डाकघर बचत बैंक खाते में कितने वित्तीय वर्षों तक जमा व निकासी नहीं होने पर उसे निष्क्रिय माना जाता है। बेसिकली पूछा गया है कि पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है वो कितने समय बाद साइलेंट हो जाता है, तो 3 फाइनेंशियल ईयर के में अगर कोई लेन देन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है, ट्रांजेक्शन नहीं किया जाता है, तो वो खाता है पोस्ट ऑफिस का, बचत बैंक का जो खाता है वो साइलेंट माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट बी। पार्ट बी में मैथ्स और जीके के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन 51 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, यदि कुल लाभ 25% हो तो x का मान क्या होगा। तो x की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू मी इसका जो सही आंसर होना चाहिए 25, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 में है, साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली ये इसका प्रिंसिपल है और ये इसका मिश्रधन हो जाता है, मूलधन से मिश्रधन, यानी कि 3000 रुपये की ब्याज हो जाती है, तो ऐसा ही बराबर हो जाएगा अमाउंट यानी कि पी इंटू आर, आर पूछा है और पी दिया हुआ है 12500 और टाइम है 4 वर्ष का, तो आर पूछा है, तो इसका जो सही आंसर निकलेगा वो 6% निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 को स्किप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में ए से संबंधित क्वेश्चन है, 54 का सही आंसर निकल रहा है 24, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 55 टाइम एंड दूरी से सवाल है और इसका जो सही आंसर निकल रहा है वो निकल रहा है 16 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56 बेसिकली इसको मिश्रण से बोल सकते हैं या फिर कैलकुलेशन का ही सवाल है, इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना, 20 को 26 से मल्टीप्लाई करना है, 26 को 30 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद में जो कैलकुलेशन आएगी उसको जोड़ना है, फिर उसके बाद में इन जो किलोग्राम को 30 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में लाभ हानि निकालना है, तो लाभ और हानि में निकालने पर इसमें 5% का लाभ हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी 56 का सी सही है। और वहीं 57 को देखते हैं, 57 का जो सही आंसर निकल रहा है वो निकल रहा है ऑप्शन नंबर बी, 57 का बी। और 58 भी कैलकुलेशन का सवाल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ रहा है। 59 का आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। वहीं क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी सही आ रहा है। वहीं अब देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, रीजनिंग में 61 में ये पूछा है कि भिन्न कौन सा है इनमें से, तो भिन्न होगा इसका 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बेसिकली इसको एक साइड खाली कर रखी है पूरी। और 62 अकॉर्डिंग टू मी इसका जो सही आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 का, मीन्स बी, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट वन 63 में
ऑप्शन नंबर फोर इसका सही आ रहा है, फोर का मीन्स डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आएगा। और 64 में बेसिकली कुछ नहीं करना, इसमें ये इसका जोड़ है 5 और 6 का, 8 और 9 का 17 आ रहा है, तो 11 और 12 का 23 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं 5 और 6 का मल्टीप्लाई करने पर 30 आएगा, 8 और 9 का 72 और 11 और 12 का करने पाएगा 132, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 65 का आ रहा है 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बेसिकली उसमें कुछ नहीं करना, इसमें दिया हुआ है कि 7 का टोटल कौन से में नहीं आ रहा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन है 66 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, कार्टोग्राफी क्या होती है? कार्टोग्राफी होती है मानचित्र बनाने का विज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था 1950 में, यानी कि 24 जनवरी ऑफ 1950, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 को स्किप करते हैं। नेक्स्ट 69 में पूछा गया है कि जो लोक चित्रकारी मधुबनी है वो किस राज्य में प्रसिद्ध है? मधुबनी की जो लोक चित्रकारी पेंटिंग है वो बिहार में प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 70 में है कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कहाँ पर है? तो मौलिक कर्तव्य है 51A में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 71, भरतनाट्यम कौन से राज्य के नृत्य है? भरतनाट्यम है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो RBI की स्थापना थी 1 अप्रैल 1935, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 73 में है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपात की घोषणा, तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो आज तक नहीं लगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, अति निम्न तापमान पर होने वाली पटगणनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रायोजेनिक्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 75, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है वो कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो जो मौलिक अधिकार हैं वो बेसिकली USA से लिए गए हैं, यानी कि 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धन्यवाद, ये है।